हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कल यानी कि 20 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया और उसमें 10, 12 के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी, और जो कहीं के भी किसी भी टीचर के स्टूडेंट हैं, किसी स्कूल से पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए लाए हैं यूपी बोर्ड से 10, 12 में, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और बेस्ट ऑफ लक। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आगे वो और अच्छा करें और अच्छा उनका प्रदर्शन हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन बात करेंगे उन बच्चों की जिन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, किसी भी कारण से अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं उन सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से यानी कि उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी कारणवश आपके बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो निराश मत होइए, खुद भी मत होइए और बच्चे को भी मत होने दीजिए। हाँ, ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जब हमें किसी भी चीज में हमारी इच्छा अनुकूल सफलता नहीं मिलती है तो मन में निराशा आती है, ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमें एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हमारी वजह से हमारे बच्चे के ऊपर कोई अनावश्यक मानसिक दबाव तो नहीं बन रहा है, या फिर जैसे कि आज के समाज में देख रहे हैं कि बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं कि उनके इतने परसेंट मार्क्स आए, तुम्हारे इतने क्यों नहीं आए, उनके 99 आए, तुम्हारे 80 क्यों आ गए, तुम्हारे 60 क्यों आ गए, तुम्हारे 50 क्यों आ गए। चलिए, हर बच्चे, ये समझने की बात है कि हर बच्चे का जो बौद्धिक स्तर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। सबकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, तो ऐसे में हमें अनावश्यक रूप से बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। समझना चाहिए कि हाँ, उसने भी अपना पूरा प्रयास किया होगा, अपना 100% एफर्ट लगाया होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर उसके मार्क्स कुछ कम आ गए हैं तो उनपे उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके उनके के अंदर हीन भावना को डेवलप नहीं होने देना, कि उनके अंदर हीन भावना विकसित हो जाए, इस चीज से अपने बच्चों को बचाना है। क्योंकि अभी का जो समाज है, सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, पढ़ाई का ही नहीं, बच्चों के ऊपर और भी बहुत तरह का उनका जो व्यक्तिगत भी रूप से भी कई बार उनके पास कुछ तनाव होता है, उसमें अगर वो खुद भी परेशान होते हैं कि उनके मार्क्स कम आए हैं, उनके फ्रेंड्स लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, ऐसे में बाकी लोग तो उनको जो बोलेंगे सो बोलेंगे, अगर उनके पेरेंट्स भी नहीं इस चीज को समझेंगे तो फिर कई बार बच्चे के अंदर हीन भावना विकसित होने लगती है और फिर वो अपना आत्मविश्वास खो देता है और आगे भी उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है। तो ऐसे में अगर किसी कारणवश बच्चों के कुछ कम मार्क्स आ गए हैं तो हम अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है, हम टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों का भी उत्साह वर्धन करें कि चलो कोई बात नहीं, इस बार कम मार्क्स आए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मेहनत करना, ये आपके जीवन का पहला एग्जाम है या दूसरा एग्जाम है, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है और हर कदम कदम पे आपको परीक्षाएं देनी है। अगर आप नौकरी के फील्ड में जाओगे तो, व्यवसाय के फील्ड में जाओगे तो, हर जगह परीक्षा देना है, कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए निराश ना हो और आगे के लिए और अच्छी तैयारी करें और जम के मेहनत करें, जिससे कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ढेरों बधाई देती हूँ जिन्होंने, जो भी बच्चे पास हुए, चाहे उनके कितने भी परसेंट मार्क्स आए हों, अगर उन्होंने प्रयास किया है और अच्छे अंकों से पास हुए हैं तो मैं सभी बच्चों को बधाई देती हूँ, उनके अभिभावकों को बधाई देती हूँ और हम सब टीचरों को भी बधाई देती हूँ। धन्यवाद।